अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एस बी एफ एम एंटोर। आज की वीडियो में हम चंद नई एग्जाम्पल को देखेंगे और ये इस कोर्स की 14 वीडियो है, वर्बल इंटेलिजेंस कोर्स 2021 की ये 14 वीडियो है। और अभी दे आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। नंबर वन क्वेश्चन है जी, कहता कार हैव मिरर्स बिकॉज, कहता कार के अंदर जो ना मोस्टली मिरर होता है, क्यों होता है। ऑप्शन को भी हम देखते हैं, टू सी द कार्स कमिंग बैकवर्ड्स, टू सी गर्ल्स इन द कार, टू सी डिफरेंट साइड्स, टू सी द कार्स विच आर एड। अभी हम कार के साथ जो शीशा लगाता है, मिरर लगा होता है, इसका मेन मकसद होता है जो गाड़ियाँ पीछे से आ रही हैं उनको देखने के लिए। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विच वन इज डिफर फ्रॉम द रेस्ट। अभी इस क्वेश्चन के अंदर वो पूछ रहा है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि डिफरेंट है। ऑप्शन ए है कार, कार्ट, एयरक्राफ्ट एंड देन शिप। अभी कार की बात करें, एयरक्राफ्ट की बात करें, शिप की बात करें, ये ऐसी चीज़ें जो कि यूज़ होती हैं एज ए, कह सकते हैं कि पेट्रोल के ऊपर यूज़ होती हैं, या फिर ऐसी है जो ऑटो भी यूज़ हो सकती हैं। पर ये जो यहाँ पे कार्ट है, बी है, ये कार्ट ऐसे डिवाइस के लिए यूज़ कर सकते हैं, वर्ड ऐसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो कि हम किसी जानवर के थ्रू उसको धकेलते हैं, ठीक है, यानी कि हम इसे पंजाबी में रेडी बोल सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है विच नंबर कम्स इन द नेक्स्ट फॉलोइंग सीरीज़। ये एक मैथमेटिकल सीरीज़ है, इसमें कहता है वो आगे छः के बाद आगे कौन सा नंबर आएगा। अभी 34 to 24 तक उसने जाने के लिए 10 माइनस किया है तो 24 आया। अभी 24 to 16 तक जाने के लिए उसने 8 माइनस किया है। 16 से 10 तक जाने के लिए उसने जो है यहाँ पे अगेन 6 माइनस किया है। 10 से 6 तक जाने के लिए उसने 4 माइनस किया है, यानी कि वो 2 से 2 करके डिक्रीज करता जा रहा है। अभी 6 से हम जब हम कम करेंगे तो अगेन 2 माइनस करेंगे, क्योंकि 10, 8, 6, 4 और 2 आता है एंड पे, ठीक है। तो 6 में से 2 माइनस करेंगे, तो ऑप्शन बी यानी कि 4 इज़ द राइट आंसर आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन इज़ डिफर फ्रॉम द रेस्ट। ऑप्शन हैं रिलेशनशिप, किनशिप, फ्रेंडशिप एंड देन स्पेसशिप। अभी जो ऑप्शन पहले तीन है ये किसी ना किसी रिलेशन को शो करते हैं, ठीक है, किसी ना किसी तल्लक को शो करते हैं, बट जो स्पेसशिप है यहाँ पे ये स्पेस की बात कर रहा है। सो ऑप्शन डी इज़ अ डिफरेंट ऑप्शन, सो ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कहता है इफ फॉलो इज कोडेड एज। अभी फेलो को उसने कोडेड किया है 4, 6, 5, 5, 3, 1। अभी एलो, अभी हम यहाँ पे देखेंगे ई का कौन सा नंबर है। ई का नंबर है 6, तो हम 6 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एल का कौन सा नंबर है, एल का नंबर है 5, तो हम 5 लिखेंगे, यानी कि ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें 6 5 शुरू पे आ रहा है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सॉरी, हाँ, अगर जेंटलमैन, अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल एस पी एफ एम एंटोर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको हमारी तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, मैं आप एक चीज़ और मैंशन करता चलूँ, बहुत जल्द इंशाल्लाह हम नॉन वर्बल इंटेलिजेंस कोर्स भी अपने चैनल पर अपलोड करने जा रहे हैं, वो भी आप लोगों के लिए बड़ा ही यूज़फुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अकमल एंड जमाल आर ब्रदर्स। अकमल और अजमल जो है ये भाई हैं, आपस में ब्रदर हैं, ठीक है, सॉरी। एंड देन अनजान एंड अजमल आर देयर सन्स। अभी अनजान एंड अजमल आर देयर सन्स हैं। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन अनजान एंड अजमल। डेफिनेटली वो आपस में कज़न्स होंगे, ठीक है, यानी कि वो चाचा ताया के बेटे होंगे, तो आपस में दोनों का रिलेशन जो है वो कज़न का होगा। नेक्स्ट ऑप्शन ये कहता है विच विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। एक मैथमेटिकल सीरीज़ है। अभी 3, 2 से उसने 6 बनाया, अभी 3 को उसने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 6 आया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 12 आया, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है इफ़ ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 6, यानी कि हर वर्ड को वो 2 के इक्वल कर रहा है। ए इज इक्वल टू 2, बी 4 के, सी 6 के। तो हम देखेंगे कि 8, 10, 10, 32 से कौन सा वर्ड बनेगा। अभी हम देखेंगे 2, 4, 6, 8 पे डी आ रहा है, ठीक है, 8 पे डी आ रहा है, सो डी वाला ऑप्शन सही होगा। फिर हम उसके बाद हम देखेंगे 10 पे कौन सा वर्ड आ रहा है। 10 पे अब हमारा आ रहा है 2, 4, 6, 8, 10, वो आ रहा है ई आ रहा है,
इस तरह अगर हम चलेंगे तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहता है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। आठ उसको, आठ ने उसको चार से मल्टीप्लाई किया, बारह आ गया, तीन सॉरी आठ को चार में उसने जमा किया बारह आया, अभी तीन में दो को जमा करेगा तो पाँच आएगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जेंटलमैन सी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आप लोगों को तमाम क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नई वीडियो के साथ पेशे खिदमत होंगे। थैंक यू।